रियाज जो रब ऐसे को माफ करने के लिए तैयार बैठा हो वो डिफेंस के लिए तो औरतों को माफ नहीं कर सकता, वो मर्दों को माफ नहीं कर सकता जो औरतें हों भी हुजूर की उम्मत ही, हम भी हुजूर की उम्मत ही। आखिरी उम्र में क्या खास मुसलमान होंगे? गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज है। सांस टूटने से पहले सर झुका दो, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए इसका क्या खबर, जवानी में टूटे बुढ़ापे में टूटे, लिहाजा अब तौबा करो, आज तौबा करो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह की रहमत को आता देखो। बनी इसे अलहरा कैसा, कारून का नाम तो आपने सबने सुना, कैसा जालिम आदमी जिसने हजरत मूसा अलैहि सलाम पर फहाशी की तोहमत लगाई, फहाशी की। अल्लाह ने जकात का हुक्म दिया, हमारी जकात है 2.5%, बनी इसराइल की जकात थी 10%, फिर उसका रिस्क था खरब हा खरब की मालियत में हिसाब किया तो बने करोड़ हा करोड़, कहने लगा सब कुछ गया। एक औरत को पैसे दिए, फाहिश औरत का, तू पैसे ले ले, मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मसला पूछूंगा कि जो बुराई करे उसकी क्या सजा है, वो कहेंगे संगसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो, तू उसके कहना कि मेरे साथ तो उन्होंने ये किया है। उनका ठीक है, पैसे ले लिए, जब ईमान ना हो तो पैसे पे आदमी बिकता रहता है, जिसम भी बिकते हैं, जान भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे, कारून खड़ा हो गया, जी जो शादीशुदा बुराई करे उसकी क्या सजा है, फरमा उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए, का अगर आप करें का मुझे भी मार दिया जाए, का ये औरत क्या कहती है। उस औरत को खड़ा किया, बोल। उसने जब नबूवत के चेहरे पर निगाह पड़ी वो तो लरज गई, कहा जी मैं कुछ नहीं कहती, मैं पहले ही बड़ी नाफरमान हूँ, पहले ही मेरे ऊपर बड़े गुनाह हैं, ये गुनाह अपने जिम्मे लेके मैं नहीं मरना चाहती, मुझे तो इसने पैसे दिए थे कि आप पे तोहमत लगाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरे नबी के साथ ये हो गया। अल्लाह ने फरमाया जमीन तेरे ताबे है, जो कहेगा कर गुजरेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली, वैसे जलाली नबी थे, बाल खड़े हो जाते थे गुस्से में, खड़े हुए, कारून सामने था, इरशाद फरमाया जमीन को निकल जा इसको, रक्सी बहे खा जा इसको, तो जमीन फटी और उसके पांव अंदर चले गए। उन्होंने समझ गया कि निजाम चल गया मेरे खिलाफ, कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने फरमाया और अंदर ले जा, तो घुटनों तक चला गया, कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने और अंदर चला जा तो कमर तक चला गया, कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने कहा और ले जा, वो गर्दन तक आ गया, कहे मूसा माफ कर दे। उन्होंने कहा और अंदर चला जा, वो सारा धंस गया, जिंदा दफन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह ताला का पैगाम है, ऐ मूसा तुमसे माफिया मांगता रहा, मेरी इज्जत की कसम मुझसे एक दफा मांगता मैं माफ कर दे। हाँ तो हम कारून से बुरे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे पीछे तो बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन सहारे का मतलब ये नहीं कि आदमी बेगैरत हो जाए, कि जो मर्जी करो पीछे हमारा है, हमें तो माफ करने के लिए पहले तैयार बैठा हुआ है, हमारे चेहरे खराब नहीं कर रहा। वो कौन सा ऐसा जुर्म है जो चेहरों को खराब करने वाला इस वक्त नहीं हो रहा? अगर हम हुजूर की उम्मती ना होते तो आज मर्द औरतों के चेहरे खत्म हो जाते, मसख हो जाते। ये तो अल्लाह को अपने हबीब की इलाज है। अच्छा, हमने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमें हुजूर की उम्मती बनाना? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों ने पत्थर को वो बछड़े की पूजा की ना, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा इन सबको कत्ल कर दो, इनकी तौबा ये है कि इनको कत्ल किया जाए। तो लोग आए कि जी कैसे कत्ल करें, कहीं बेटा है, कहीं बीवी है, कहीं माँ है, कहीं बाप है, कैसे दूसरे को कत्ल करें? अल्लाह से जाके माफी मांगे कि वैसे ही माफ कर दिया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमी लेकर कोतूर पे गए, ए अल्लाह माफ कर, वैसे ही माफ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरी उम्मत की तौबा तो कत्ल ही है, एक उम्मत बाद में आने वाली है, जितने मर्जी बड़े गुनाह कर लें, एक दफा कह दें ए अल्लाह माफ कर दे, उनके सारे माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह वो कौन सी उम्मत है? कहा मेरे हबीब की उम्मत। कब अगर मुझे दे दें? कहीं आपको नहीं देनी, आप पहले हैं वो बाद में है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने जन्नत की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि उसका पानी ऐसा है कि एक कतरा उंगली पे लगाए तो सारा जहान मुअत्तर कर दे, एक घोंट पी ले कभी प्यास न लगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये अल्लाह वो पानी मुझे भी पिला दे। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक मेरा हबीब ना पिए वो पानी सब पे हराम है, और जब तक मेरे हबीब की उम्मत ना पिए वो पानी सारी उम्मतों पे हराम है। और क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले करें। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों क्यों?
कहेंगे मैं इनका खुद हिसाब ले लूं ताकि इनको शर्म ना आए किसी और से। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जब आप हिसाब लेंगे, इनके गुनाह देखेंगे तो आपसे तो शर्माएंगे कि नहीं शर्माएंगे? कहेंगे हाँ। कहने मैं आपको भी नहीं देता, मैं पर्दे में इनका हिसाब लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि ये क्या क्या करते रहे। कोई जहन्नुम में भी जाएगा तो पर्दे में जाएगा, जाएंगे तो सही जहन्नुम में, जहन्नुम के साथ हिस्से हैं। सबसे ऊपर जहन्नुम, फिर खोतमा, फिर लबा, फिर सहीर, फिर सकर, फिर जहीम, फिर हाविया। जहन्नुम मुसलमानों के लिए है। कौन से मुसलमान मर्द औरत जो तौबा किए बगैर मर गए? खोतमा ईसाइयों के लिए, लबा यहूदियों के लिए, सहीर मजूस के लिए आतिश परस्त ईरानी, सकर चंगेजियों के लिए सितारों के सूरज के पुजारी, और जहीम मुशरिकीन के लिए, मुशरिकीन पत्थरों के पुजारी, और हाविया मुनाफिकीन के लिए। हाविया मुनाफिकीन के लिए, जब अल्लाह दोज़ख की आग को भड़काता है तो हाविया का पर्दा उठा देता है, उसमें से जो आग निकलती है जहन्नुम की आग भी चीखने लगती है उस आग की तपिश से। जब हुजूर की उम्मत को डाला जाएगा जहन्नुम में तो इनके चेहरे काले नहीं होंगे, इनके हाथों में हथकड़ियां नहीं होंगी, इनके पाँव में बेड़ियां नहीं होंगी। तो जब गिरेंगे तो वो जन्नत का दोज़ख का दरोगा कहेगा मालिक ये कौन आ गए जिनके चेहरे सफेद, जिनके हाथों में हथकड़ियां नहीं, पाँव में बेड़ियां नहीं। तो अल्लाह ताला के साथ होगा आग को हुक्म दो कि इन्हें पकड़े, अरे मालिक इनके हाथों में हथकड़ियां मत डालो, इन हाथों ने सदकात दिए हुए मेरे नाम पर, इन पाँव में बेड़ जंजीरें मत डालो, ये पाँव मेरे मस्जिदों की तरफ कई दफा उठे हैं, इनके चेहरों को मत जलाना, ये माथा कई दफा मेरे दरबार में टिका है, इनके दिल को मत जलाना, इसके अंदर ईमान है, बाकी सारे वजूद को आग लपेट लेगी। अच्छा जब आग करीब आएगी ना तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आग बिछड़ जाएगी। फिर वो आगे आएगी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आग पिछड़ जाएगी। फिर वो आगे आएंगे वो कहेगा जन्नत वो दोज़ख का फरिश्ता पकड़ती क्यों नहीं, वो कहेगी लैसा लिल सुल्तान वला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं चलता, मैं कैसे पकड़ूं? तो कहेंगे अच्छा अब पकड़ो। अब जब चौथी दफा पकड़ने आएगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहेंगे, अल्लाह जबान बंद कर देगा, जुबान बंद हो जाएगी, जुबान बंदी अंदर है बोल नहीं सकेंगे। अब अल्लाह कहेगा इसी कलमे की लाज दुनिया में रखते तो ये आग तुम्हें कुछ ना कह सकती, तुमने मेरे कलमे की इज्जत को पारा पारा किया, आज उसकी सजा तुम्हें चखनी पड़ेगी। ये उम्मत जहन्नुम में भी जाएगी तो इतनी रायतों के साथ जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, हम तौबा करें, अपने मालिक के सामने अपनी तौबा को पेश करें। और तौबा क्या है कि मेरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कारून को माफ करने के लिए तैयार बैठा हो, इस उम्मत को क्यों नहीं करेगा? और जो रोजाना बादशाहों के दरबार तो रात को बंद होते हैं और हमारे रब का दरबार तहज्जुद में दरबार खास खुलता है। एक बादशाहों का दरबार आम होता था, एक दरबार खास होता था। दिल्ली हम गए जमात में गए तो मैं वहां से निकल आया किला देखने के लिए। शाहजहां का एक दरबार खास था, एक दरबार आम। दरबार आम सुर्ख पत्थर से बना हुआ था, दरबार खास संगमरमर से सारा बना हुआ था, पूरे पिलर सारा कुछ संगमरमर। अल्लाह का एक दरबार खास है, एक दरबार आम तो अब भी खुला हुआ है, शाम तक खुला रहेगा, रात तक खुला। जब रात के 12 बजेंगे तो दरबार खास खुलेगा। जब सब नींद के मजे ले रहे होते हैं तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आता है और दरबार खास खुलता है। फिर ऐलान होता है कोई मेरा बंदा या बंदी जो मुझसे सुलह करना चाहता हो, जो मुझसे कुछ लेना चाहता हो, जो तौबा करना चाहता हो, जो मुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हो, है कोई? मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज औरत लौंडी फरोख्त हो रही थी, उसको खरीद के ले आए। लोगों ने कहा पागल सी है, उनका ठीक है कोई बात नहीं। रात को आधी रात के बाद आंख खुली तो देखा वो लौंडी, वो कनीज औरत मुसल्ले पे बैठी और अल्लाह से लो लगी हुई, आंसू बह रहे, सीना घुट रहा और अल्लाह को क्या कह रही, ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, क्या ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है मैं उसके वास्ते से तुझसे सवाल करती हूँ। तो इन्होंने टोका कि ये लड़की क्या कहती है, क्या कहती है? यूं कह कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। कहने लगे चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे यहाँ ना बैठाता, तुझे वहां ना सुलाता। मुझसे मोहब्बत है तो मेरी नींद को उठाकर, मेरी नींद से मुझे उठाकर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे ए अल्लाह अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब महबूब हैं। ए अल्लाह अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, मुझे अपने पास बुला ले। चीख निकली और जान निकल गई।
तो फरमाते मुझे बड़ा गम हुआ, मैं सुबह उठा उसका कफन लेने गया। कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई, सब्ज कफन चढ़ा हुआ और उस पर नूरानी सतरों से लिखा हुआ अला इन औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के सल्लो अल्लाह के दोस्तों को न दुनिया में गम है न आखरत में खौफ है। हमने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की तरफ रुजू क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे मर्दों में आए, हमारी औरतों में आए, हमारी औलाद में आए। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, चाहे मर्द है चाहे औरत है, चाहे ऐसे खूबसूरत घर में रहता है और चाहे वो सामने झोंपड़े और क्वार्टर नजर आ रहे हैं, चाहे उनमें रहता है, जहां वो रहता है, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आ गई तो मजे हो गए, अगर आपकी जिंदगी नहीं आई तो बर्बाद हो गया। अबू लहब कुरैशी हाशमी अरब सरदार चचा जिंदगी को छोड़ा, सयसला नारन ज़ात लहब की आयत आई कि अबू लहब को दोज़ख की बशारत दो। बिलाल हबशी कौला बदसूरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आई तो अल्लाह ताला के हबीब ने बशारत दी। क्या बशारत दी? अब जो जहां मरता है वहीं से उठेगा, ये पहले बता रहा हूँ, जो जहां मरता है ना वहीं से उठेगा, जहां कब्र है वहीं उसका हशर है। लेकिन एक इंसान दुनिया में ऐसा है कि जो जहां मरा है वो वहां से नहीं उठेगा, वो कौन है? वो बिलाल है। उसकी कब्र कहां है? शाम में। उसका हशर कहां है? आपने फरमाया क्यामत के दिन कब्रें फटेंगी, मैं सबसे पहले निकलूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा और मेरे कदमों से बिलाल हबशी निकलेगा। शाम से नहीं और रोजा अतहर से निकलेगा। और आगे क्या फरमाया? कब्र से निकलते ही अजान देगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दुनिया में भी मौजन आखिरत का भी मौजन। और सुनो का सारे लोग पैदल चलेंगे मैदान हशर, मैं बुर्राक पे चलूंगा मैदान हशर और मेरे आगे बिलाल सुर्ख ऊंटनी पे सवार होके चलेगा। ये तो कहां से आई है? मोहम्मद मुस्तफा के दर से आई है। हमारी कीमत सोना चांदी से नहीं लगेगी, हमारी कीमत मोहम्मदी बनने से लगेगी कि इस औरत में मेरे नबी का तरीका कितना है, इस मर्द में मेरे नबी का तरीका कितना है। जितना है उतनी कीमत लग जाएगी, जो खोट है उसको जहन्नुम से जलाया जाएगा। तरीका मोहम्मदी हो। 360 बुतों को पूछते थे, शराब जिना उनकी घुट्टी में था और जब तौबा की और हुजूर के दर पर आए हैं तो अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा उड़ाया कि फरिश्ते भी उनकी परवाज को न मिल सके और न उनको पहुंच सके। और बताओ, फिर जन्नत में जाने का वक्त आएगा, जन्नत में जाने का वक्त आएगा, दरवाजा बंद होगा, खुलवा नहीं होगा, दरवाजा बंद होगा जन्नत का। इस्तेता हुजूर से करवाया जाएगा, जन्नत का इस्तेता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से होगा कि आपके जरिए से जन्नत को खोला जाएगा। तो आपने फरमाया मेरे लिए सुर्ख ऊंटनी लाई जाएगी, मैं उस पर सवार होगा और उसकी नकेल नीचे होगी तो ऐलान होगा, आशा भाई अब ये कौन पकड़े? हुजूर का कोचवान कौन बने? ड्राइवर कौन बने? सायक कौन बने? सारवान कौन बने? आपके साथ कौन चले? तो बिलाल हबशी का ऐलान होगा कि बिलाल को बुलाया जाए और ये लगाम उसको पकड़ाई जाए। हजरत बिलाल हुजूर की नकेल पकड़ के जन्नत में जा रहे हैं। ये इज्जत कहां से आई है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेबा से आई है। वो औरतें जो कल तक पत्थरों की पुजारी, बुतों की पुजारी, कोई इज्जत का एक पास कोई नहीं, वही औरतें कहां पहुंची है? हजरत खौला बिनते सालवा एक सहाबिया है, उनके खामिद ने उनको तलाक दे दी, जाहिलियत की तलाक। वो तलाक क्या थी? कोई आदमी यूं कहता तू मेरी माँ की तरह है तो उस पर हराम हो जाती, और ऐसी हराम होती कि फिर कभी निकाह भी नहीं हो सकता था। ये जमाना जाहिलियत में, अभी इस्लाम में इसके बारे में कोई हुक्म नहीं आया था। तो हजरत खौला बिनते सालबा को उनके खामिद औस बिन सामित ने ये कह दिया तू मेरी माँ की तरह, और ये तो परेशान होगी कि छोटे छोटे बच्चे, उम्र मेरी ढल गई, दूसरी शादी के काबिल नहीं, अब मैं कहां जिंदगी गुजारूं? तो भागी हुई हुजूर के दर पे आई। हजरत आयशा कंगी कर रही थी, या रसूल अल्लाह मुसीबत मुश्किल आ गई, क्या हुआ? कि मेरे खामिद ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, तो ये तो जाहिलियत की तलाक है ना, आप इस तलाक को कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। तो अभी चूंकि शरीयत का कोई हुक्म आया नहीं था तो आपने रिवाज के मुताबिक फतवा दे दिया कि खौला हरीम ती अलैही है, तो उस पर हराम हो गई। उनका या रसूल अल्लाह इन्नहु अबू वलदी, वो मेरे बच्चों का बाप, और मैं तफर्रक अहली, माँ बाप मेरे मर गए, अकला माली पैसा मेरा खत्म, अफना शबाबी जवानी मेरी खत्म, तो मैं और किस दर पर जिंदगी गुजारूं? अगर आपने तलाक बरकरार रखी तो मेरी जिंदगी बाकी कहां गुजरेगी?
आपने फिर कहा हारिम की अली है तो हराम हो गई। उसने फिर आज दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह नजर सानी फरमाए। आपने देखा मानती नहीं तो आपने सर झुका लिया, बोले नहीं, खामोश हो गए। तो उसने देखा जब आपने इराद कर लिया, आपने बात सुन रहे, तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगे आप नहीं सुनते, मैं आपके रब से गिला करती हूँ, मैं आपके रब को सुना था। यूं हाथ उठाए, या अल्लाह इन्नली मिन्हु सुबियतन सगार, ए अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन रममतुहुम इलैया फज़ाउ, मेरे पास रहेंगे तो उनको कहां से खिलाऊं, इन रममतुहुम इलैहि फज़ाउ, अगर उसके पास भेजूं तो कहीं और शादी कर दे, मेरे बच्चे रुल जाए। या अल्लाह अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में फैसला दे। कितना बड़ा दावा है, कहेगा मेरे हक में फैसला दे। अगर वो नूर तलाक का फैसला दे चुके हैं और ये क्या कह रही, अल्लाह मेरे हक में फैसला दे। अगर अल्लाह ताला वैसे ही इरशाद फरमाते तो कोई इस बात को झुटलाता, कोई इसकी तस्दीक करता कि कभी यह भी हो सकता है कि नबी के खिलाफ फैसला हो जाए। अल्लाह ने कुरान उतारा था कि क्यामत तक पता चले कि मेरे नबी की मान कर एक औरत कितना ऊंचा प्रवास कर सकती है। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اتحسنا بارا شروع ہو رہا ہے اب غور فرمائیں آیا ہم نے یقینا سن لیا جو اپنے خاوند کا جھگڑا لے کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا پھر آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا یہ کلام درمیان میں چھپا ہوا ہے درمیان میں چھپا ہوا ہے آپ نے اس کی بات کو نہیں سنا وتشتکی الی اللہ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تیرا نبی تو نہیں سنتا تو سن واللہ یسمع تحاورکما میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروانا چاہتی تھی ان اللہ سمیع بصیر آپ کا رب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے آج کے بعد میں اس طلاق کو باطل کرتا ہوں ختم کرتا ہوں اور اپنا فیصلہ خولا کے حق میں دیتا ہوں البتہ اس کا جرمانہ مقرر کرتا ہوں کہ غلام آزاد کرے بیوی حلال 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے بیوی حلال یہ 60 روزے رکھے تو بیوی حلال یہ طلاق آج کے بعد ہم ختم کرتے ہیں اتنا اونچا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آدمی اڑ سکتا ہے مرد ہو یا عورت حضرت عمر امیر المومنین تھے تشریف لے جا رہے تھے ایک عورت نے روک لیا امیر المومنین وہ ٹھہر گئے ان کا ہاتھ پکڑا کئی زمانہ تھا تو عمری کہلاتا تھا پھر تو عمر بنا پھر تو امیر المومنین بنا پھر کچھ اور باتیں کی تو لوگ کھڑے ہو گئے جب چلے لگے تو ایک آئی نے کہا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر روک گئے ارے ظالم پتہ بھی ہے یہ کون بڑھیا ہے یہ وہ ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تو عمر فرش پہ کیسے نہ سنے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہماری عورتوں نے یہ سمجھا کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا جتنا اچھا گھر ہوگا جتنا اچھا زیور ہوگا اتنی ہماری عزت ہوگی اور میرے بھائیو یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی خبر کے کیڑے کھا جائیں گے اس جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اگر ہم ان کا طریقہ کیوں نہ اپنائیں ماں تو کیا مت دین کہے گی لئی کہانی چلا جا میں نہیں تجھے کوئی نیکی دے سکتی باپ تو کہے گا چلا جا میں نہیں کوئی تمہیں نیکی دے سکتا اور سارے نبی چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا اے اللہ میں اپنی ماں مریم سے بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا اور ایک کائنات کی خلقت میں ایک ہستی صرف ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی یا رب امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ تڑپ تڑپ کے پکار ہوگی یہ سب ہوگی جب دوزخ آئے گی اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ جہنم کو وہ آئے گی تو آتے چیخ مارے گی اس کی چیخ پر بڑے بڑے انسان فرشتے زمین پہ جا گریں گے کہیں گے اللہ نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی موسیٰ علیہ السلام نفسی داؤد علیہ السلام نفسی اور سلیمان علیہ السلام نفسی یحییٰ علیہ السلام نفسی زکریا علیہ السلام نفسی عیسیٰ علیہ السلام میری ماں بھی نہ بچا نفسی میری جان بچا ایک اس کائنات کے مجمع میں محمد مصطفیٰ ہے جو کہے گا امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو محمد مصطفیٰ سے کیوں کرتے جو وہاں بھی نہ بھولے وہاں بھی نہ بھولے اور موت کا وقت آیا یہ دو گھاٹیاں سخت ہوتی ہیں موت کا وقت حشر کا وقت موت کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام اندر آیا یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اجازت ہو تو اندر آ جائے آج تک کبھی مانگے نہیں کسی سے نہ آئندہ مانگیں گے فرمایا آ جائے وہ اندر آ گئے یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے
उनका इरशाद था मेरे रब का कि मेरा हबीब इजाजत है तो अंदर जाना, नहीं तो वापस आ जाना। ये काम आज तक अल्लाह ने मुझे नहीं कहा ना आइंदा कहेगा। और अगली बात, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि आप चाहें तो जब तक चाहें रहें और आना चाहें तो हम भी आपकी मुलाकात के मुंतजर हैं, शौक रखते हैं। आपको इख्तियार है, चलें तो हाजिर, ना चलें तो हाजिर। आपने जबरील को देखा, पहले जाओ वापस जाओ, मेरे रब से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूँ। मुझे जाना है क्या रहना है, मेरे रब से पूछो मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। हा? 5 घंटे अरफात के मैदान में अपनी उम्मत के लिए, अप्रैल का महीना है, अप्रैल की धूप, हिजाज मुकद्दस की धूप, मक्का की धूप, और खैमा नहीं साया नहीं, ऊंटनी पर बैठकर 5 घंटे ऐसे दुआ मांगी है। 5 घंटे हम तो 5 मिनट करें तो हाथ थक जाते हैं 5, और फिर कभी बेकरार होकर रकाब में पांव का जोर देकर खड़े हो जाते और यूं पूरे हाथ उठा लेते। सालों फरमाते हैं आपके बगलों की सोसाइटी हम देख रहे होते थे और आपका आपका एहराम झलक झलक के नीचे गिर रहा होता था और आप बेकरार होकर तड़प रहे होते थे, हाय मेरी उम्मत। इसी से बेवफाई करनी है, सिर्फ जबान के चस्के के लिए, आंखों के चस्के के लिए, कानों के चस्के के लिए जरूर इस्लाम वापस कहते सलाम नहीं करा। या रसूल अल्लाह आपका रब कहता है कि मैं आपकी उम्मत को आपके बाद अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो ठीक है अल्लाह कर होता है ही, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, ए अल्लाह मुझे अपने पास बुला। तो अब नसीहत शुरू की, किसको? बच्चों को, बीवियों को, नहीं अपनी उम्मत को। उसको एक और हदीस में याद आया, एक हफ्ता पहले जब आप मौत के आसार आपको पता चल गया कि जाने का वक्त आ गया है, तो चाहो मैं तो आपको देख उनको देख के आप रोने लगे, ताकि मैं तुम्हें अपना आखिरी सलाम कहता और मैं जो तुम्हारे बाद आए उनको भी मेरा सलाम कहता, और उनसे कहना कि जो उनके बाद आए उनको भी मेरा सलाम कहता, और जो उनके बाद आए उनको कहना कि उनको भी तुम्हारा नबी सलाम कह के गया। हम अभी आलम अरवा में थे और वो हमें सलाम कहता हुआ दुनिया से चला गया। और कौन सा घर है जिसमें हुजूर के तरीके नहीं जबा किए जा रहे, कौन सी औरत है जो अल्लाह के रसूल की बागी नहीं है, कौन सा मर्द है जो अल्लाह के रसूल का बागी नहीं है, इल्ला माशाल्लाह। किससे हम वफा कर रहे हैं, जो वफाओं के काबिल थे उनको जफाएं दे दी और जो जफा के काबिल थे उनके वफादार बन बैठे, न दुनिया रही न दीन रहा। हम कैसे, हमें भी कोई अकल वाला कहेगा? हाय हाय दिल कच्चा है। और बताऊं, आपने सहाबा से कहा मेरा जी चाहता अपने भाइयों को देखूं, अपने भाइयों को देखूं। सहाबा ने कहा हम जो आपके भाई हैं, नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखेंगे नहीं पर मेरा कलमा पढ़े, वो है मेरे भाई। और सुनो, एक सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मुबारक है उसको जिसने आपका दीदार आपके ईमान लाया। आपने कहा 7 दफा मुबारक है उसको जो उसने मुझको देखा नहीं और फिर मुझ पर ईमान लाया, 7 दफा हमें मुबारक दी है। फिर हम नाफरमानी करके दूसरी करते हैं, क्या जुल्म है ये? ये जमीन क्यों नहीं फटती और इन घरों को क्यों नहीं अंदर लेके जा रही, ये जमीन क्यों नहीं फटती और हमारे वजूद को क्यों नहीं अंदर लेके जा रही, उसके दौर में हमें रोका हुआ है, उसके रातों के तड़पने में हमें रोका हुआ है। रो 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 के सीना फट जाता था और खून निकलने लग जाता था पिंडलियों से, पांव फंस जाते थे, पिंडलियों से खून निकलता था, पेट पर पत्थर बन जाते थे और सारी रात तड़पते हुए दर्द के मारे की तरह रोते थे, दुखों के मारे की तरह रोते थे, सांप के डसे की तरह तड़पते थे। और उनका तड़पना क्या था कि नहीं बस्ते हो जाए जिसके लिए जन्नत बनाई गई, जिसको जन्नत की चाबी क़यामत के दिन पकड़ाई गई, तो ले मेरा हबीब सब पर जन्नत हराम है जब तक तू न चला जाए। वो अपनी जन्नत को रो रहा था, वह हमारे जैसे जालमों के लिए रो रहा था। तुम उसी से बेवफाइयां कर रहे हो, अकल के नाखून चलो, होश तो करो, तौबा करो अल्लाह के वास्ते आज। कब तक इन जिंदगी का साथ दोगे? ये जिंदगी का तार टूटेगा और ये जहान उजड़ेगा और कल को उसका सामना होना है। आपकी बेटियां फातिमा से ज्यादा मुकद्दस है? आपके बच्चे हसन और हुसैन से ज्यादा कीमती है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटी बीमार हुई हाल पूछने गए, हजरत साथ में बीमार हुई हाल पूछने गए, एक सहाबी साथ है इमरान का, बेटी अंदर आ जाऊं, इमरान भी साथ है, कब बयान मेरे घर में तो चादर ही कोई नहीं पर्दा करने के, आप अपने घर के पर्दे देख लें तो गरीब बच्ची की शादी हो सकती है।
एक कालीन बेच ले तो एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। यहाँ दो जहान के सरदार की बेटी है, तब बगान मेरे घर में चादर को नहीं पर्दा करने के लिए। आपके साथ घर महरम है, आपने अपनी चादर कंधे से उतार कर अंदर दी, बेटा मेरी चादर से पर्दा करो। अंदर आए निवार से गले लगाया, आंसू कब के कभी क्या हाल है। या रसूल अल्लाह, पहले भूख से अब बीमारी भी आ गई, न उस भूख के लिए रोटी है न बीमारी के लिए दवा है। तो आपने जो पत्थर खा के ताइस के न रोया, बेटी के आंसू ने पिघला दी, आप रोने लगे। फिर गले से लगाकर काफी देर प्यार किया, फिर सुना बेटी क्यों क्यों रोती है, उस रात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बनाया, आज तीन दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने एक रोटी का लुकमा नहीं चखा। बेटी तू भूखी है तो हम भी तो तेरे साथ ही भूखा। और फिर यहाँ ये हाल ये यहाँ ये ऐलान किया, बेटी तुझे खुशखबरी न सुनाऊं, छोड़ इस भूख बीमारी को, तुझे अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है, तेरे लिए यही इज्जत काफी है। मेरे भाइयों, हम रोटी के लिए बिक न जाएं, हम इन कपड़ों के लिए बिक न जाएं, ऐसे घरों के लिए बिक न जाएं। बिकना है तो अल्लाह रसूल के हाथों बिको, कि कुछ मोल तो लगे। किसके हाथों बिक रहे हो कि कबर पारा पारा कर दे जाते ही, और जहन्नम के खाव पर बिच्छू जाते ही जाकर नवाले बना ले। बिकना है तो अल्लाह रसूल के हाथ बिको, जो जिंदगी देख रहे हैं, जो मकसद देख रहे हैं, जिसे कल सामना करना है। जिसका हम तबलीग के जुम्मे, मैंने आपको कोई बात तकरीर के लिए आपको नहीं जमा किया, हम हुजूर की जिंदगी भुला बैठे। एक जिंदगी थी साथ जिंदगी, इसके लिए आपको देख के रश्क करते थे, आज शैतान भी हमें देख के रोता है। इनके हया पर फरिश्तों के लिए हया आती थी, आज शैतान भी हमारी औरतों को देख के रोता है। तौबा करें, हम ये कह रहे हैं तौबा करो अल्लाह के वास्ते, अपने घरों से अल्लाह की नाफरमानी को निकालो। ये अमल की चीज है, करने की चीज है, खाली तकरीर से ये बात नहीं करूं यार। मर के मर जाते जो मर्जी करते, मर के मरना नहीं है, मर के आगे पेशी है। एक छोटा सा मुकदमा होता है और बड़े से बड़ा वकील किया जाता है, छोटा सा दर्द होता है, बड़े से बड़े डॉक्टर से रुजू किया जाता है। मेरी जिंदगी का मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश होने वाला है, जो मेरी आंख की हरकत को देखता है, मेरे कानों के सुने हुए को लिखता है, मेरी आंख की पुतली की हरकत को जानता है कि ये आंख क्यों उठी है, ये क्यों देख रही है। मेरे रात के अंधेरे उसके सामने पर्दा नहीं बन सकते, रात की तारीखी मुझे उससे छुपा नहीं सकती, तहखाने उससे मुझे छुपा नहीं सकते, मुझे अपने मुकदमे की तैयारी करनी है। يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ آ رہا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اے لوگو دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، अपने मुकदमे की पैरवी करो। यौम तरजुफु राजिफा जब जलजला आएगा, तस्बहु राजिफा जलजले के पीछे जलजला आएगा। हल अताका हदीसुल गाशिया वो दिन जो तुम्हारे पर छा जाएगा, उसका तुम्हें कोई होश है। अल कारिया वो आवाज जो तुम्हारे पर्दे फाड़ देगी, मल कारिया वो क्या आवाज है, वमा अदराका मल कारिया कुछ खबर है वो क्या आवाज है। अल हाक्का मल हाक्का वमा अदराका मल हाक्का इजा जुल الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه لا لا كتني زبردست آیات ہیں جو پتھروں پہ پڑے تو پارا پارا کر دیں یہ آیات میری طرف متوجہ ہیں اے عورت اے مرد तैयार हो अपने मुकदमे की पैरवी कर तुझे मेरी बारगाह में आना है और अल्लाह खड़ा करेगा जिस्म पे एक तार कपड़े का नहीं होगा और पांव अपने जिस्म को उठा नहीं सकें इससे सीखने के लिए हम कहते हैं तबलीग का काम ये कोई तहरीक नहीं ये ईमान और यकीन और इस्लाम को सीखने की मेहनत है हमने इस्लाम नहीं सीखा न घरों में सिखाया न स्कूल में सीखा कॉलेज में कौन सीखता है अलिफ अनार
این ایپل پڑھایا گیا، اے اللہ نہ پڑھایا گیا، تو ہمیں کیا پتا ہمارا اللہ کیا ہے؟ ہم نے تو شروع سے مخلوق کو پڑھا، مخلوق کے عشق میں رہے، مخلوق کے عشق میں مر گئے، اور کل کو خواب و خاسر ناکام ہو کر اٹھائے گئے۔ تبلیغ وہ محنت ہے جو زندگی کے رخ کو بدلنے کی کہا جا رہا ہے، کہ یہ رخ بدلنے سے بدلے گا، توبہ کرنے سے بدلے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کریں۔ اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے حبیب آخری ہیں، ہمارے رسول آخری ہیں۔ آپ پر نبوت ختم، آپ پر رسالت ختم، آپ پر سرداری ختم، آپ پر عزت ختم، آپ پہ شرافت ختم، آپ پہ قیادت ختم، آپ پہ ساری عزتوں کی انتہا ہو گئی، شرافتوں کی انتہا ہو گئی، ہر کمال کی انتہا ہو گئی۔ اللہ نے کہا بس، اب میرا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں میرا پیغام اور تک پہنچائیں۔ ہمیں کیا سودا سمایا ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے اپنے بیان شروع کر دیں، تو بھائی آپ کہیں واہ 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 واہ، آپ کی واہ واہ مجھے قبر میں کوئی نفع نہیں دے گی، آپ کی آ ہو یا واہ ہو یہ چیز مجھے قبر میں نہیں بٹا سکتی، مجھے آپ کندھوں پہ بٹھائیں یا پاؤں تلے رون دیں، اس سے میری قبر نہیں کچھ آدھا ہوگی، نہ میری قبر تنگ ہوگی۔ میرا عمل 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 ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخو کرے۔ ہم یہ ذمہ داری سمجھ کے آپ کو بلا رہے ہیں، مردوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، ان کو بتاؤ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے صرف چولہے میں نہ مر جاؤ، زبر کپڑے میں نہ مر جاؤ، ایک فیکٹری ایک مل چلا کے نہ مرو، کچھ ختم نبوت کو بھی یاد کرو کہ آپ کا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنا ہمارے مردوں کے ذمے، بچوں کے ذمے، بوڑھوں کے ذمے، گھر میں بیٹھی عورتوں کے بھی ذمے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچائیں۔ اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے منا کے موقع پر یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے، قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے، حدیث پاک کا حدیث متواتر حدیث کی قسم ہے، اس کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ غائبین تک میری آواز پہنچاؤ۔ ماں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، بیویوں نے اپنے حق معاف کیے، ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے، اور اپنی اولاد کو، بیویوں نے اپنے سہاگ کو، ماں نے اپنے سہاروں کو، بھائیوں نے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے قافلے در قافلے پہلی صدی میں نکلے، اور 90 ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے۔ محمد ابن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں، یہ بھی کسی کے لائق ہے، یہ بھی کسی کا سہاگ تھے، یہ بھی کسی کا سہارا تھے۔ یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے، یا کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی؟ پیدا ہی آیا تھا، یہاں تو کچھ نہیں تھا، ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا پیغام ہم نے پہنچا رکھا۔ حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے، حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، او موتا کے پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے، ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر الطیار جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے، 33 برس کی عمر، اور وہاں سے واپس آئے، حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، 2 سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اون، عبداللہ، محمد، 3 بچے، اور حضرت اسماء کو 21 سال کی عمر، 21 سال کی عمر، آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت اسماء کے، تو فرماتے ہیں اسماء میں نے بچوں کو نہلایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے، میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ تینوں جو بچے آئے تو آپ نے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا۔ جب روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے؟ تو فرمایا اسماء جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو کہا وہیں گری اور بے ہوش ہو۔ حضرت زید کی قبر پر گئے، حضرت زید ابن حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، خود روانہ کیا، ان کی قبر پر گئے، وہ بھی وہی ہیں، وہ ان کے پاس ہی ہے، ان کی قبر پہ لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے،
कि उनकी बेटी ने देखा फजहशत इला नबी, तो आपकी आकर टांगों को लिपट गई और उसने जोर जोर से रोना शुरू किया। आपने उसको गोद में लेके आपने भी रोना शुरू कर दिया। हजरत साद इब्न उबादा एक सहाबी है, बड़े मजबूत दिल के थे, चले गए या रसूल अल्लाह ये रोना कैसा रोना है? फरमाया ये बाप का रोना है बेटे की याद, ये हबीब का रोना है हबीब की याद। उन्होंने भी हमारे जैसा इस्लाम सीखा था, आज इस्लाम यहाँ तो ना आता। उन्होंने भी हमारे जैसा इस्लाम सीखा था कि कहाँ लिखा है घर छोड़ के जाना। उन्होंने कहा जहाँ लिखा है वहां तुम पढ़ते नहीं, जहाँ पढ़ते हो वहां लिखा हुआ नहीं। ये खत्म नबूवत की मेहनत है तबलीग, ये कोई तहरीक नहीं, ये कोई जमात नहीं, ये हम अपने नबी को आखिरी मानते हैं, लिहाजा उनका पैगाम दुनिया में फैलाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारी औरतों की भी जिम्मे है, हमारे मर्दों की जिम्मे है, मेरे भाइयों मेरे बहनों इसको अपने अंदर आलम में फैलाने की एक तरतीब है। बाहर निकल कर भी दीन का काम करना है, घर रह कर भी दीन का काम करना है, अपने घरों में नमाज जिंदा, कोई बच्ची बच्चा बे नमाजी ना हो, कोई औरत बे फर्द ना हो, हर घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, हर घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद के लिए कुछ वक्त निकालो। उनको स्कूल भेज देते हैं, वापस आते हैं तो ट्यूशन वाले के हवाले कर देते हैं। आपको कमाने से फुर्सत नहीं, औरतों को फंक्शन से फुर्सत नहीं, आपकी औलाद ऐसे पल रही है जैसे जंगल का दरख्त होता है, कोई शाख इधर जा रही है कोई इधर जा रही है। उन्हें बाग का पौधा बनाओ, जिनको हर वक्त काटा जाता है, दाएं बाएं से तराशा जाता है, फिर वो सीधा खूबसूरत होकर निकलता है। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो, ये आपका सरमाया है। फैक्ट्री नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, मिल नहीं, कारखाने नहीं, आपका सरमाया आपकी औलाद है। कैसा सरमाया? कि आप दुनिया से चले जाएं तो मौत के बाद आपके किसी काम आ सकें, और उनको ये भी ना पता हो कि मेरे बाप के बाद मैं क्या करूं, कि मेरे बाप के दर्जे बुलंद होते चले जाएं। तो आपने अपनी औलाद को बर्बाद कर, अपनी औलाद का मुस्तकबिल बचाओ। मुस्तकबिल बचाने का क्या मतलब है? कि उनको आखिरत तक की तैयारी करवा दो और अल्लाह के सामने पहुंचने की तैयारी करवा दो उनको। जैसे हम अपने इम्तिहान आते हैं तो माँ बाप डंडा लेके खड़े होते हैं, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, अपने बच्चों की तैयारी करवा दो। अल्लाह ने पेपर बता दिया है ये 3-4 सवाल मैं पूछूंगा, अपने बच्चों को तैयार करवा दो ताकि आपके बाद भी आपके काम आ सके। अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो, वरना जालिम बनेंगे आप क़यामत के दिन, ये औलाद गिरेबान पकड़ लेगी। अल्लाह पैसा छोड़ के गए ईमान न सिखा के। अपनी औलादों को वक्त दो, अपने घरों में उनको आखिरत बताएं, कब्र बताएं, पूछो नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जिक्र किया है कि नहीं किया, किसी से बदअखलाकी तो नहीं की, किसी को गाली तो नहीं निकाली। अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे का आदि बनाओ ताकि कल को जाए तो ये ना समझे हमारे ऊपर क्या पाबंदी लग गई, वो अल्लाह के गुलाम बन के समझे कि हाँ हाँ अल्लाह के लिए सब कुछ हमने सहना है। ये करने की चीजें घर में रहकर, नमाज जिक्र तिलावत हुजूर की सीरत हुजूर की जिंदगी साहबा की जिंदगी, ये हमारे घरों में रोजाना इसके लिए नियम मिली वक्त निकाले, और इसी को औरों को बताने के लिए जमातें बन बन कर अल्लाह के रास्ते में फिरा जाए। और फिरना सीखने के लिए भी है, पहुंचाने के लिए भी है। अब इसके लिए बोलो बताओ कौन भाई बहन मस्तूरात अपनी तश्कील करें, मर्द अपनी तश्कील करें। सबसे पहली तश्कील कर तौबा की करो कि या अल्लाह जो हो गया माफ कर दें। अल्लाह की कसम आप एक बोल बोलेंगे अल्लाह 40 साल के सारी फाइल को उठा के फेंक कर नई फाइल लगा देगा, 70 बरस की फाइल फाड़ देगा और नई फाइल लगा देगा, 5 साल मासूम बच्चे की फाइल लगा देगा। अजा भाई मेरा बंदा पिछला माफ चल नए सिरे से, फस्ता ने फिल अमल, अब नए सिरे से अमल कर पिछले तेरी छुट्टी। बोलो भाई तो मसूरात पढ़वाने के इरादे लिखाएं और 3 दिन की नकद जमात हो जाए मसूरात में। اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وقل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. या अल्लाह हम कमजोर हैं ज़ईफ हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा, हम ताकतवर नहीं से तुझसे लड़ सकें। अल्लाह
ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکے, ہم بڑے کمزور بڑے ضعیف اور اپنی نفسوں کو ظلم کیا ہے. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے روکا ہم نہ رکے, تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے, تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا, تیرے دی ہوئے کانوں سے غلط سنا, یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا. اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو, اس وجود میں کوئی دوست کی بیٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوس داخل نہ ہو چکی ہو. یا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے حالات بربادی ہے. اے ہم تیرا اے رحیم کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج تک زندگی تیری نا فرمانی میں گزری ہے, آج تک تیری نا شکری میں گزری ہے, اور اتنے بندے اور اتنی مندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تو سچ میں سے بھی بڑا سچ ہے. معاف کرنا تیری صفت ہے, گر گزر کہنا تجھے پسند ہے, تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے, تیرا فضل تیرا عف تیرے انتقام سے آگے ہے. ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا, معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا, تو ہمیں معاف فرما دے. کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو, کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو. ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے, تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کیونکہ بھولتا بھی نہیں. یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اے ہمارے رب, یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو. ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو, تیرا غیر نہ ہو. ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی, ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی. ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے. یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا, اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے. ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہے معاف کر دے. یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں, ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے. اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے. یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے. یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا, ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا, ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں. ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے. تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں, تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. یا اللہ اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے, ہم تجھے ناراض کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہوا ہے. اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑ رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے, محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, عذابتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں, اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں, نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا. اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں اس کو بھی شرم آ جائے, تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی. تو ایسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے.
अल्लाह हमारी कोई जाए पना नहीं, दुनिया हमारी उजड़ी, आखिरत हमारी उजड़ी, दीन हम गवा बैठे, दुनिया में सुख हमने न देखा। या अल्लाह तू दर गुजर का मामला फरमा के अपने अजाब के दरवाजे बंद कर दे, अपने गजब के दरवाजे बंद कर दे, इन नफरतों की आग को ठंडा कर दे, मोहब्बत की फिजाओं को कायम फरमा दे। आज तक तेरे दीन को उजड़ते देखा है, इसकी जिंदगी आबादी दिखा दे। या अल्लाह तू अंधेरी रात को रोशनी से बदलता है, सूरज की किरण से चांदनी को लाता है। या अल्लाह ये गुमराही की बात जो लंबी हो गई, हमारी नस्लें उसका शिकार हो गई, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां नफ्स और शैतान के आले बन गए, जिन्होंने तेरे दीन को लेकर करना था, आज वो सारी नस्ल मेरे मौला गाने बजाने में गर्क हो गई, जिन्होंने तेरा कुरान सुनाना था, जिन्होंने तेरे पैगाम को लेकर चलना था, आज वो तुझे खुद बुला बैठे, आज वो तुझे खुद बुला बैठे, जो ये उम्मत सारे आलम के लिए रहबर बन गया, आज वो खुद सो गई है, लंबी तान के सो गई है, हमें झंझोर दे या अल्लाह, हमें वहलत की नींद से बेदार कर दे या अल्लाह, हमारे बस से बात निकल चुकी है, नफ्स शैतान का राज हो चुका है, या अल्लाह आज के शयातीन को और आज के फिरौनों को और आज के काहिरों को अपनी कहारी दिखा, अपनी ताकत को जाहिर फरमा। आज की दुनिया कहती है इस्लाम पहली सदी के लिए था, आज के लिए नहीं है, तो आज इसको जिंदा करके दिखा कि ये तेरे हबीब की जिंदगी है जो क़यामत तक के लिए है, झोंपड़े में भी अपने हबीब की जिंदगी को जिंदा फरमा, इन घरों में भी जिंदा फरमा। या अल्लाह बाजारों में गलियों में हर तरफ जहां तेरा दीन टूट रहा है, तेरे नबी के तरीके टूट रहे हैं, हमारी बेबसी पर रहम फरमा, हम तो एक कदम चलना चाहते हैं, सारा माहौल 100 कदम हमें पीछे धकेल देता है, अपने भी दीन पे चलने से रुकावट बन गए, पराई भी रुकावट बन गए, ना फरमानी पर चलने के रास्ते खुशादा हो गए, उन पर चलने वालों के लिए हर तरफ साथी मौजूद, तेरे दीन पर चलने वालों का कोई साथ देने वाला नहीं, माँ बाप भी आजकल साथ छोड़ जाते हैं। या अल्लाह इस काली जिंदगी को और इस अंधेर जिंदगी को अब बदल दे, अपनी कुवत से बदल दे, अपनी कुवत से बदल दे, तो हमारी जिंदगी में अपनी पसंदीदा जिंदगी को या अल्लाह काफिल फरमा दे, देहात में शहर में मर्दों में औरतों में अमीरों में गरीबों में अपने हबीब की जिंदगी को जिंदा फरमा दे, न हम दुनिया के दुख सह सके, न कब्र आखिरत के सह सके। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना। या अल्लाह कब्र के अंधेरे को तेरे सिवा नहीं कोई रोशनी से बदल सकता, या अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन फरमा, जब सब पीछे हट जाते हैं तू है जो वहाँ के सांप बिच्छू से बचाएगा, तू ही हमारी हिफाजत फरमा, आखिरत के मैदान में तेरे हबीब का भी सामना करना है। या अल्लाह इस हाल में मर गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, मरने से पहले हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को धो दे, हमें वो जिंदगी अता फरमा कि जिससे दुनिया में इस्लाम फैले, हमें ऐसी जिंदगी से बचा ले कि जिससे दुनिया में दीन मिटे। या अल्लाह हमारे माल को इल्म को हमारी ताकत को अपने दीन के जिंदा होने के लिए कबूल फरमा, अपने कलमे के बुलंद होने के लिए कबूल फरमा, हमारी मौजूदा नस्ल को तू संभाल ले, जाए होने से बचा ले, इनको तू बचा ले, अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा ले, हमारी तरफ हमारे हाथ से बात निकली हुई है तेरे लिए मुश्किल नहीं, हमारे लिए बात नामुमकिन तक पहुंची हुई है। या अल्लाह तूने फिरौन के घर में मूसा की हिफाजत करके दिखाई, तो आज शैतानी जालों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तूने आजर के बेटे को खलील बनाया, तो आज के इस बुत परस्ती के फिजा में दोबारा हिदायत की रोशनी को रोशन फरमा। या अल्लाह तूने पत्थर के पुजारियों को रज़ियल्लाहु अन्हु बनाया, हमने तो तेरे नबी का कलमा पढ़ा है,
ہمیں کلمے پہ پکا کر دے, اپنا بنا لے, ہمارا پنجا ہماری اولادوں کو نیک کر دے, صالح کر دے, فرمانبردار کر دے, محبتیں قائم فرما دے, نفرتیں مٹا دے, مسجدوں کو آباد کر دے, گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے, عورتوں میں حیا کو زندہ فرما, پاکدامنی کو زندہ فرما, مردوں میں حیا کو زندہ فرما, پاکدامنی کو زندہ فرما, انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, مقروض ہیں ان کے قرضے دور کروا. یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے, آثار نظر آتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین میں قسمت رہا ہو. وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے, تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے, تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے, ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا, اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں, سارے عالم میں پھیلائیں, تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے, ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما, اس بات کرنے سننے کو قبول فرما, جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما, سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما, سب کے دل میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما, ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے. اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں, تیرے ذکر سے آباد ہوں. یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے, ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مزلے پہ ہوں, آنکھوں سے آنسو ہوں, تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں. یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے. جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی, تیرا عرش بھی ہلتا تھا, تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے, آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے. یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے, اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے. ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ربنا پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا. اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں اس کو بھی شرم آ جائے, تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی, ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت, دنیا ہماری اجڑی, آخرت ہماری اجڑی, دین ہم گواہ بیٹھے, دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا. یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے, اپنے غضب کے دروازے بند کر دے, ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے, محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے. آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے, اس کی زندگی آبادی دکھا دے. یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے, تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے. یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی, ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئیں, ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا, آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی, جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا, جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا, آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں, آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا, آج وہ خود سو گئی ہے, لمبی تان کے سو گئی ہے. ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ, ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ. ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے, نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے. یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا, اپنی طاقت کو ظاہر فرما. آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے, تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما, ان گھروں میں بھی زندہ فرما. یا اللہ بازاروں میں, گلیوں میں, ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے, تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں, ہماری بے بسی پر رحم فرما. ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں,
सारा माहौल 100 कदम हमें पीछे धकेल देता है, अपने भी दीन पे चलने से रुकावट बन गए, पराए भी रुकावट बन गए, नाफरमानी पर चलने के रास्ते कुशादा हो गए, उन पर चलने वालों के लिए हर तरफ साथी मौजूद, तेरे दीन पर चलने वालों का कोई साथ देने वाला नहीं, माँ बाप भी आजकल साथ छोड़ जाते हैं। या अल्लाह, इस काली जिंदगी को और इस अंधेर जिंदगी को अब बदल दे, अपनी कुवत से बदल दे, अपनी कुवत से बदल दे, तो हमारी जिंदगी में अपनी पसंदीदा जिंदगी को या अल्लाह दाखिल फरमा दे, देहात में, शहर में, मर्दों में, औरतों में, अमीरों में, गरीबों में, अपने हबीब की जिंदगी को जिंदा फरमा दे। न हम दुनिया के दुख सह सकें, न कब्र आखरत के सह सकें, या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखरत भी बना, या अल्लाह कब्र के अंधेरे को तेरे सिवा नहीं कोई रोशनी से बदल सकता, या अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन फरमा, जब सब पीछे हट जाते हैं तू ही है जो वहाँ के सांप बिच्छू से बचाएगा, तू ही हमारी हिफाजत फरमा, आखरत के मैदान में तेरे हबीब का भी सामना करना है, या अल्लाह इस हाल में मर गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, मरने से पहले हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को धो दे, हमें वो जिंदगी अता फरमा कि जिससे दुनिया में इस्लाम फैले, हमें ऐसी जिंदगी से बचा ले कि जिससे दुनिया में दीन मिटे, या अल्लाह हमारे माल को, हमारे इल्म को, हमारी ताकत को अपने दीन के जिंदा होने के लिए कबूल फरमा, अपने कलमे के बुलंद होने के लिए कबूल फरमा, हमारी मौजूदा नस्ल को तू संभाल ले, जाए होने से बचा ले, इनको तू बचा ले, अपनी तरफ मुतवज्जे फरमा ले, हमारी तरफ, हमारे हाथ से बात निकली हुई है तेरे लिए मुश्किल नहीं, हमारे लिए बात नामुमकिन तक पहुंची हुई है, या अल्लाह तूने फिरौन के घर में मूसा की हिफाजत करके दिखाई, तो आज शैतानी जालों से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह तूने आजर के बेटे को खलील बनाया, तो आज के इस बुत परस्ती के फिजा में दोबारा हिदायत की रोशनी को रोशन फरमा, या अल्लाह तूने पत्थर के पुजारियों को रज़ी अल्लाह अन्हु बनाया, हमने तो तेरे नबी का कलमा पढ़ा है, हमें कलमे पे पक्का कर दे, अपना बना ले, हमारा बन जा, हमारी औलादों को नेक कर दे, सालेह कर दे, फरमाबरदार कर दे, मोहब्बतें कायम फरमा दे, नफरतें मिटा दे, मस्जिदों को आबाद कर दे, घरों में मस्जिद की फिजा बना दे, औरतों में हया को जिंदा फरमा, पाक दामनी को जिंदा फरमा, मर्दों में हया को जिंदा फरमा, पाक दामनी को जिंदा फरमा, उन्हें रिज्क हलाल कुशादा अता फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज दूर करवा, या अल्लाह इन फिजाओं को ए अल्लाह तू ही बदल रहा है, आसार नजर आते हैं, ए अल्लाह तू हमें अपनी जिंदगी में दिखा दे कि तेरा दीन में चमक रहा हो, वो जमाना जब तेरे दीन के लिए काफिले निकलते थे, तेरे पैगाम को लेके फिरते थे, तेरे नाम को लेके बुलंद करते थे, हर जगह जमीन को तेरे नाम से उन्होंने आबाद किया था, इस उम्मत को फिर से वो इज्जत आता फरमा दे कि हम तेरे कलमे को लेके फिरे, सारे आलम में फैलाएं, तो हमें इसके लिए कबूल फरमा ले, हमारे इस आने को भी कबूल फरमा, इस बात करने सुनने को कबूल फरमा, जो भाई बहन तशरीफ लाए तो सबके घरों में अमन चैन की फिजाएं कायम फरमा, सबकी जरूरियात को अपने गैब से पूरा फरमा, सबके दिल में अपनी मोहब्बत को तू रासिख फरमा, हमारे रात की मसरूफियतें बदल दे, या अल्लाह हमारी रातें तेरी याद से आबाद हों, तेरे जिक्र से आबाद हों, या अल्लाह वो रात जो आज गफलत में गुजरती है और नाफरमानी में गुजरती है, हमारी रात वो रात बना दे कि हमारा सर मुसल्ले पे हो, आंखों से आंसू हो, तेरी रहमत के दरवाजे खुले हों, या अल्लाह इस गफलत की रातों को इताअत की रात बना दे, जब कभी ये उम्मत रात को उठ के रोती थी तेरा अर्श भी हिलता था, तेरे फरिश्ते इनके रोने पे रोते थे, आज शैतान भी हमारी नाफरमानी पे रोता है, या अल्लाह तो हमें वो पसंदीदा जिंदगी अता फरमा दे कि जिस पर तू राजी हो जाता है और दुनिया भी बनाता है और आखरत भी बनाता है, रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखरत हसना वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबन नार, सल्लल्लाहु तआला अला नबी अल करीम, आमीन बिरहमतिक।